तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पर OnePlus Nord C3 डिवाइस के यूजर हो यार, तो आज का पर्टिकुलर ये वीडियो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे हेल्पफुल वीडियो होगा, क्योंकि यहाँ पर OnePlus की तरफ से इंडिया पे OnePlus Nord C3 डिवाइस के लिए एक और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा न्यू अपडेट यार रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको यार बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर बताएंगे या फिर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाएंगे कौन से वर्जन के दौरान न्यू अपडेट देखने को मिला है OnePlus Nord C3 डिवाइस के अंदर, अपडेट का साइज आपको कितने MB का या फिर कितने GB का देखने को मिलता है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आज की इस वीडियो का, इस अपडेट के बाद आपके OnePlus Nord C3 डिवाइस के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलता है, मतलब क्या क्या इंप्रूवमेंट, क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है। तो ओवरऑल देखा जाए, अगर आपको OnePlus Nord C3 डिवाइस के इस न्यू अपडेट के बारे में सब कुछ A to Z एकदम डिटेल्स के साथ जानना है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा वीडियो को यहाँ पर आप वॉच कीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा यार इस अपडेट के बाद आपके डिवाइस के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलता है। पर उससे पहले आपके भाई के चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको डेफिनेटली आप ऑल पर सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि फ्यूचर पे आपको जो भी अपडेट मिलेगा या फिर मिल रहा है यार उसका वीडियो आपको सबसे पहले हमारे चैनल के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर यार आप लोग देख सकते हो OnePlus Nord C3 डिवाइस के अंदर जो न्यू अपडेट यहाँ पर देखने को मिला है या फिर रोल आउट होना स्टार्ट हुआ है इंडिया पे, अपडेट का यहाँ पर जो वर्जन है वो आपको देखने को मिलता है CPH 2491 14.0.0.510 ब्रैकेट पे EX01। जी हाँ, इस वर्जन के दौरान ऑक्सीजन OS का एक और बढ़िया न्यू अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है OnePlus Nord CE3 डिवाइस के लिए। तो अगर आपके पास यहाँ पर OnePlus का Nord CE3 डिवाइस है यहाँ पर, तो आपको एक छोटा सा यहाँ पर काम करना होगा। सबसे पहले आपके डिवाइस की सेटिंग्स के अंदर जाइए, उसके बाद यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट सेक्शन के अंदर जाके चेक कीजिए, ये जो न्यू अपडेट है ऑक्सीजन OS का न्यू अपडेट, ये अपडेट आपके OnePlus Nord C3 डिवाइस के अंदर आपको देखने को मिला है या फिर नहीं मिला है। अगर आपके OnePlus Nord C3 डिवाइस के अंदर ये अपडेट आपको देखने को मिल चुका है तो बहुत ही बढ़िया बात है, आपके डिवाइस को डेफिनेटली आप अभी का भी अपडेट कर लो यार। और ये वाला अपडेट आपके डिवाइस के अंदर अगर आपको अभी तक देखने को नहीं मिला है तो स्टिल इस वीडियो को लास्ट तक देखो, इस वीडियो के एकदम एंड पे, एकदम लास्ट पे मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर बता दूंगा, यहाँ पे समझा दूंगा ये अपडेट आपके डिवाइस के अंदर अगर आपको अभी तक देखने को नहीं मिला है तो अभी के अभी आपके डिवाइस को आप कैसे अपडेट करेंगे, ठीक है। तो इस अपडेट की हम लोग साइज की बात करें तो 719 MB, जी हाँ 719 MB के आसपास अपडेट का साइज है जो आपको देखने को मिला है आपके डिवाइस के अंदर। तो यहाँ पर चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं इस अपडेट के बाद आपके डिवाइस के अंदर, आपके OnePlus Nord C3 डिवाइस के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिला है, मतलब क्या क्या न्यू चेंजेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले सिस्टम के अंदर एड पार्शियल स्क्रीनशॉट ऑप्शन इन द स्मार्ट स्लाइड बार, तो स्मार्ट स्लाइड बार ऑप्शन के अंदर जो पार्शियल स्क्रीनशॉट ऑप्शन है उसको यहाँ पर जो फीचर के माध्यम से यहाँ पर ऐड कर दिया गया है इस अपडेट के बाद, जो एक अच्छी बात है। उसके बाद यू कैन नाउ क्रिएट फोटो कॉलेजेस विदाउट फ्रेम्स इन फोटोज, तो ये आपको एक फीचर मिलता है गैलरी के अंदर फोटोज सेक्शन के अंदर, जो एक अच्छी बात होता है यार, ठीक है, ये फीचर मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है, ठीक है। उसके बाद यू कैन नाउ प्रेस एंड होल्ड द वॉल्यूम डाउन बटन टू टर्न ऑन द फ्लैश लाइट व्हेन द स्क्रीन इज ऑफ, ठीक है, तो स्क्रीन ऑफ होने के टाइम जो वॉल्यूम बटन है उसको अगर आप यहाँ पर प्रेस एंड होल्ड करोगे तो यहाँ पर आप उसके बाद फ्लैश लाइट को ऑन कर पाओगे, जो फीचर काफी अच्छा फीचर है, इस फीचर को ऐड कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर यू कैन नाउ एंटर द फर्स्ट लेटर ऑफ एन ऐप नेम इन ए परफॉर्म फजी सर्च फ्रॉम द होम स्क्रीन सर्च बार इन ए ड्रॉयर मोड, तो ये आपको एक फीचर मिलता है इस अपडेट के बाद। उसके बाद देखिए आपको एक और बहुत ही अच्छा फीचर मिलता है इस पर्टिकुलर अपडेट के बाद, यू कैन नाउ एडजस्ट द वॉल्यूम फॉर इंडिविजुअल एप्स बेस्ड ऑन योर नीड्स, ठीक है, आपके नीड्स के मुताबिक आप किसी भी इंडिविजुअल ऐप के जो साउंड है उसको यहाँ पर आप बड़ा या फिर घटा पाओगे इस अपडेट के बाद। एंड देखिए उसके बाद यहाँ पर इम्प्रूव द वॉल्यूम बार डिजाइन फॉर इजी इंटरफेस, ठीक है, तो वॉल्यूम बार का जो डिजाइन है उसको काफी अच्छा कर दिया इस अपडेट के बाद। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर अप्रैल महीने का लेटेस्ट यहाँ पर एंड्रॉयड सिक्योरिटी पेज मिलता है, जी हाँ, इस अपडेट के बाद आपको अप्रैल महीने का एंड्रॉयड सिक्योरिटी पेज मिलेगा आपके OnePlus Nord C3 डिवाइस के अंदर। और देखिए यह अपडेट ऑक्सीजन OS 14 एंड्रॉयड 14 बेस्ट अपडेट है, जी हाँ, ऑक्सीजन OS 14 एंड्रॉयड 14 बेस्ट यह अपडेट है, जो एक अच्छी बात है।
उसके बाद देखिए सिस्टम के अंदर ऑप्टिमाइज्ड सिस्टम परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी। जी हाँ, ये आपको एक फीचर मिलता है जो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इस अपडेट के बाद आपके डिवाइस के सिस्टम की परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा यहाँ पर ऑप्टिमाइज्ड एंड काफी बढ़िया कर दिया गया है। मतलब देखिए, अगर आपका यहाँ पर वन प्लस नॉट सी थ्री डिवाइस यहाँ पर लैग करता था, हैंग करता था, आपको लैग प्रॉब्लम एंड ऑल्सो यहाँ पर हैंग प्रॉब्लम देखने को मिलता था यार, तो डेफिनेटली ये जो यहाँ पर न्यू अपडेट है ऑक्सीजन ओएस का, इस अपडेट के बाद आपको हैंग प्रॉब्लम, लैग प्रॉब्लम, कोई भी तरीके का यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। मतलब आपका डिवाइस काफी फास्ट एंड काफी स्मूथ चलेगा इस पर्टिकुलर अपडेट के बाद। मतलब सिस्टम की परफॉर्मेंस को काफी अच्छा एंड काफी बेहतर कर दिया गया है इस अपडेट के बाद। उसके बाद देखिए, बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है इस अपडेट के बाद। जी हाँ, बहुत सारे लोग यार अभी भी यहाँ पर उनके डिवाइस के अंदर बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, बैटरी बहुत ही जल्दी ड्रेन होता है, तो इस अपडेट के बाद आपको बिल्कुल भी बैटरी ड्रेन प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा आपके डिवाइस के अंदर। बैटरी परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छा एंड यहाँ पर काफी बेहतर देखने को मिलेगा। मतलब अगर आपको इस अपडेट को करने से पहले दिन में दो तीन बार चार्ज करना पड़ता था, तो इस वाले अपडेट को करने के बाद 719 MB का जो अपडेट है, इस अपडेट को करने के बाद आपको बस यार दिन में एक बार चार्ज करना पड़ेगा। मतलब बैटरी परफॉर्मेंस को काफी अच्छा एंड काफी बेहतर कर दिया गया है इस न्यू अपडेट के बाद आपके वन प्लस नॉट सी थ्री डिवाइस के अंदर। उसके बाद यहाँ पर देखिए यार, बहुत सारे लोग क्या करता है, यहाँ पर वन प्लस नॉट सी थ्री डिवाइस के अंदर गेम खेलता है, कोई पबजी खेलता है, कोई कॉल ऑफ ड्यूटी खेलता है, कोई फ्री फायर खेलता है, तो कोई यहाँ पर BGMI खेलता है। तो जो चारों गेम्स का मैंने आपको नाम बताया, पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर और BGMI, इन चारों गेम्स में से आप कौन से गेम को एग्जैक्टली खेलते हो आपके वन प्लस नॉट सी थ्री डिवाइस के अंदर, वो मेरे को आप कमेंट करके बताओ। आप स्पेशली यहाँ पर ज्यादातर टाइम कौन से गेम को खेलते हो आपके डिवाइस के अंदर, क्योंकि यहाँ पर देखिए मेरे को आप कमेंट करके बताना भाई प्लीज, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर गेमिंग परफॉर्मेंस को भी काफी अच्छा एंड काफी बेहतर कर दिया गया है इस अपडेट के बाद। मतलब देखिए, अगर आपको गेम खेलते टाइम लैग प्रॉब्लम, हैंग प्रॉब्लम देखने को मिलता था, गेम खेलते टाइम अटक अटक के चलता था, तो डेफिनेटली ये जो न्यू अपडेट है इस अपडेट के बाद आपको गेमिंग परफॉर्मेंस काफी अच्छा एंड काफी बेहतर मिलेगा। मतलब गेम खेलते टाइम डिवाइस लैग नहीं करेगा, हैंग नहीं करेगा, एकदम आपको स्मूथ गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगा एंड फ्रेम ड्रॉप्स प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, जो फ्रेम ड्रॉप्स यहाँ पर होता था उसको भी यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। मतलब फ्रेम ड्रॉप्स प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, एकदम स्टेबल फ्रेम रेट के साथ बहुत ही अच्छा स्मूथ यहाँ पर आपको गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगा इस न्यू अपडेट के बाद आपके डिवाइस के अंदर। देखिए ये जो सारा फीचर है, ये सारा फीचर आपको मिलता है आपके डिवाइस के अंदर अपडेट के बाद। हाँ तो गाइज, यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर उम्मीद करता हूँ यार आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आ गया होगा वन प्लस नॉट सी थ्री डिवाइस के अंदर क्या क्या मतलब फीचर्स मिला है, अपडेट का यहाँ पर वर्जन क्या है, क्या देखने को मिला है एंड यहाँ पर अपडेट का साइज क्या है। तो देखिए ये अपडेट काफी बढ़िया अपडेट है, अगर आपको अपडेट मिल चुका है तो डेफिनेटली अभी का भी आपके डिवाइस को आप अपडेट कर लो, और ये वाला अपडेट आपके वन प्लस नॉट सी थ्री डिवाइस के अंदर अगर आपको स्टिल यहाँ पर अभी भी देखने को नहीं मिला है, तो आप मिनिमम 7 दिन एंड मैक्सिमम 10 दिन, जो मैं हर वीडियो पर बोलता हूँ, 7 से लेकर 10 दिन वेट करो। क्योंकि देखिए वन प्लस धीरे धीरे करके अपडेट देता है, तो सभी यूजर्स को मिलने में, मतलब सभी 100% यूजर को मिलने में मिनिमम 7 दिन मैक्सिमम 10 दिन तक टाइम लग जाता है। तो वेट करो, आपके सॉफ्टवेयर अपडेट सेक्शन के अंदर ये अपडेट आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को एक लाइक कर देना, आपका एक लाइक यार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। उसके साथ साथ आपके भाई के YouTube चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करके, पास में जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको भी डेफिनेटली आप ऑल पर सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि फ्यूचर पे आपको ऐसे ही यहाँ पर अपडेट के वीडियो और भी मिल जाएगा आपके भाई के YouTube चैनल के अंदर। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके मेरे को बताना आपको अपडेट मिला है या फिर नहीं मिला, ठीक है। चलिए आज का वीडियो बस यार दोस्तों, इतना ही।